रुक कर लेते हैं सागर का, जहां विधायक ब्रज बिहारी पचेरिया ने वापस लिया इस्तीफा। कल पुलिस की कार्य प्रणाली से नाराज होकर दिया था इस्तीफा। इस्तीफा देने विधानसभा अध्यक्ष के नाम भेजा था पत्र। विधायक ब्रज बिहारी पचेरिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब नाराजगी की कोई बात नहीं, पार्टी मेरे साथ है, सीएम और अध्यक्ष भी मेरे साथ है, पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगा। बता दें कि देवरी क्षेत्र के केसली थाना क्षेत्र के ग्राम मिटकी में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजन मृतक व्यक्ति को और काटने वाले सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने रिपोर्ट में सांप के काटने से मौत लिखने के एवज में 40,000 रुपए की मांग की थी, जिसके साक्ष्य होने के बाद ही केसली पुलिस थाने में डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। जब यह जानकारी क्षेत्र विधायक पंडित ब्रज बिहारी पचेरिया को लगी तो वह FIR कराने के लिए कसली थाना पहुंचे और रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर नाराजगी जताते हुए विधायकी छोड़ने की बात कही थी और अपने लेटर पैड पर इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के नाम लिख दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हालांकि देर रात उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। उन्होंने कहा कि अब नाराजगी की कोई बात नहीं, पार्टी मेरे साथ, सीएम और अध्यक्ष भी मेरे साथ है, पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वसीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में, पूरा संगठन हमारे, पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा और अब वो इस्तीफा की भी बात ही नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, पूरा मामला आपसे जान लेते हैं। कल इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर इस्तीफा वापस भी ले लिया। प्रदर्शन किया, उन्होंने मांग की डॉक्टर पे FIR करने के लिए और उन्होंने इस्तीफा पेश किया सोशल मीडिया के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के लिए। देर रात उनकी बात हुई, ऊपर नेताओं से तो इस्तीफा वापस ले लिया है उन्होंने PM से बात होके। जी, उसमें तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।